मॉर्निंग स्टूडेंट, आज बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर जिसका कि नाम काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स है, इसी में थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात कर रहे हैं। इसी में इमिसिव पावर, एब्जॉर्प्शन पावर, परफेक्टली ब्लैक बॉडी और किरचॉफ के नियम के बारे में बताया। इसी सीरीज में आज की जो हेडिंग है उसका नाम है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है इसका स्टेटमेंट में किसी पूर्ण कृष्णिका के इकाई क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पर पूर्ण कृष्णिका की बात आती है, यहाँ पर जो अपने ऊपर गिरने वाले रेडिएशन को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर लेती है, हमने बताया था पहले भी, जो वो क्या आधा कृष्णिका कहलाती है, ठीक है। तो कृष्णिका क्या होगी, जो अपने ऊपर गिरने वाले मैक्सिमम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले किसी पूर्ण कृष्णिका के इकाई क्षेत्रफल से। क्या है इसका, एक यूनिट क्षेत्रफल है, एक हिस्सा है, उसी के आधार पर पूरे उसकी व्याख्या कर सकते हैं। क्षेत्रफल से विकिरण ऊर्जा उत्सर्जन की दर, उस हिस्से से जो रेडिएंट एनर्जी जो है वो उत्सर्जन जो हो रहा है उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्या क्या है यहाँ पर स्टेटमेंट, कि कोई एक कृष्णिका है उसके यूनिट क्षेत्र इकाई क्या होता है, जिसे कहते हैं यूनिट एरिया, यानी इकाई क्षेत्रफल से विकिरण ऊर्जा उत्सर्जन की दर उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। हमने पहले भी इमिसिव पावर में बताया कि किसी भी निकाय के द्वारा एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित जो विकिरण होगा उसको कहते हैं इमिसिव पावर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इमिसिव पावर जो है उसके परम ताप के चतुर्थ घात के, यानी कि ताप क्या हुआ है, धातु फोर, उसके अनुक्रमानुपाती होगा। ये जो है हमारा क्या है, स्टीफन ने यहाँ पर बताया, ठीक है। यदि परम ताप टी हो, जो टेम्परेचर है, यदि उसका उसको कैपिटल पी द्वारा के, तो एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड विकिरित ऊर्जा, अगर टेम्परेचर टी हो तो एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड, बात वही आ गई, एक निकाय है उसका एक यूनिट क्षेत्रफल है, यूनिट क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड विकिरित ऊर्जा क्या, E बराबर सिग्मा टी की पावर 4, क्या हो गया, E बराबर सिग्मा टी, टी क्या है, ये क्या है विकिरण ऊर्जा उत्सर्जन की दर है, और टी क्या है परम ताप है, परम ताप ये इसके क्या है चतुर्थ घात के अनुपाती होती है, यहाँ पर सिग्मा लगा हुआ है, E बराबर सिग्मा, यानी E प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर इक्वल लगाने पर क्या हो जाएगा, स्मॉल सिग्मा, ये स्मॉल सिग्मा है इसको कि इस तरीके से व्यक्त किया गया है, यह क्या है, ये क्या है यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमारा स्मॉल सिग्मा आ जाएगा, इसे स्मॉल यहाँ स्मॉल सिग्मा एक नियतांक है जिसे स्टीफन नियतांक कहते हैं, इसको क्या कहेंगे स्टीफन नियतांक, क्योंकि अभी तक हमने जो बात की है वो स्टीफन की बात, अभी बोल्ट्जमैन की बात नहीं आई है। क्या कहा है हमने, हमने यहाँ पर ये कहा है कि किसी पूर्ण कृष्णिका के इकाई क्षेत्रफल से विकिरण ऊर्जा उत्सर्जन की दर उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुपाती होती है, यदि टेम्परेचर टी है तो ई इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, यानी ई बराबर सिग्मा टी की पावर 4, यहाँ पर सिग्मा एक नियतांक है जिसे स्टीफन नियतांक कहते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टीफन का इसीलिए इसका नाम है स्टीफन कांस्टेंट। इसका मान MKS इकाई में, इसका जो मान क्योंकि ये नियतांक है, नियतांक होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड होगा, यानी कि इसका मान फिक्स होगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। 5.672 इंटू 10^-8, 5.672 गुणे 10^-8 जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड, और क्या है यहाँ पर केल्विन की पावर 4 है, क्योंकि हमारा क्या है टेम्परेचर है, इसको कि हम लोग यहाँ पर क्या करें केल्विन में डिनोट करते हैं, जब इसको चेंज करना होता है सेंटीग्रेड से तो उसमें क्या 273 से प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मान हुआ 5.67 10^-8 जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड,
केल्विन की पावर 4। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहां पर क्या है, सिर्फ एक कृष्णिका थी। अगर कृष्णिका एक से अधिक हो, देखिए यदि एक कृष्णिका परम ताप टी पर, ये परम ताप टी पर कौन सी है जो हमने बात की, यहां पर स्टीफन की बात की, दूसरी कृष्णिका इसका टेम्परेचर क्या है, टी की टी सफिक्स में जीरो, यानी टी जीरो परम ताप, यहां पे परम ताप क्या है, टी है, दूसरी कृष्णिका है उसका परम ताप क्या है, टी जीरो। और हमने पहले भी कृष्णिका क्या होती है, जो अपने ऊपर गिरने वाले मैक्सिमम विकिरण को अवशोषित कर लेती है वो कहलाती है, अवशोषित कर लेती है वो कहलाती है हमारी। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पर पहले यहां पर टेम्परेचर एक था, कृष्णिका एक थी, यहां पर कृष्णिका क्या होगी, एक से अधिक। यदि एक कृष्णिका ताप टी परम ताप पर, दूसरी कृष्णिका टी जीरो परम ताप पर से घिरी हो, ठीक है, अब क्या हुआ है, एक जो है दूसरे द्वारा क्या है, चारों तरफ से कवर्ड की गई, यानी घेरी गई, क्या होगा, चारों तरफ से मौजूद हो, तो ये नियम होगा E बराबर सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी जीरो की पावर 4। देखिए यहां पर क्या हुआ, जो मान हमारा स्टीफन में आया था वहां से क्या हुआ, जो दूसरी कृष्णिका थी उसको क्या क्या घटा दिया गया, मान को यानी माइनस टी जीरो की पावर 4। सिग्मा हमारा क्या है, दोनों के लिए कॉमन, क्योंकि दोनों में कॉन्स्टेंट आएगा जब सॉल्व करेंगे, तो पहली कृष्णा का ई बराबर सिग्मा टी पावर, दूसरा क्या है, क्योंकि यहां पर क्या है, ये जो है इसको घेरे हुए, यानी क्या है, जो टेम्परेचर पहली कृष्णा उसका मान क्या है, अधिक है, इसका मान कम है, इसलिए इसको माइनस किया गया। ठीक है, यानी कि परम ताप टी क्या है, टी जीरो को अगर किसी सर्किल की बात करें तो सर्किल में टेम्परेचर पूरे सर्किल में टी है, तो इसी के अंदर क्या है, एक टी जीरो ताप है जो दूसरी कृष्णिका है, एक कृष्णिका क्या है, इसका टेम्परेचर टी है, इसीलिए क्या किया, इस टेम्परेचर पावर 4 से इसको घटाया गया है, इसे स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम कहते हैं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, जब दूसरी कृष्णिका आ गई तो यहां पर क्या हो गया, साथ में बोल्ट्जमैन नियम भी लग गया। ठीक है, तो हमने इसमें क्या बताया, बताया ये कि अगर कोई एक पूर्ण कृष्णिका का इकाई क्षेत्रफल से विकिरण ऊर्जा को उस सजनी दर जो होगी वो क्या होगी, उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुपातिक होगी। यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है उसके एकांक क्षेत्रफल से विकिरण उत्सर्जन हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा, ताप अगर टी होगा तो ई बराबर सिग्मा टी की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर सिग्मा क्या है, एक नियतांक है, इसे स्टीफन नियतांक कहा गया है, इसका एम की शुद्धता मान 5.67 × 10⁻¹⁸ जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड के अनुपात 4 है। अगर यहीं पर बात आती है, एक कृष्णिका इसका टेम्परेचर टी है, एक दूसरी कृष्णिका ली जाए इसका टेम्परेचर हमारा टी जीरो हो, और ये जो टी जीरो इसको टेम्परेचर टी क्या है, चारों ओर से घेरे हुए है, उस अवस्था में जो फार्मूला होगा E बराबर सिग्मा 4 ब्रैकेट टी की पावर 4 माइनस टी जीरो की पावर 4 होगा, इसे स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम कहेंगे। और ये जो रिलेशन है बहुत महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित हम आगे जो है इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।